कैसा लग रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप अगर मेरे इस चैनल पे आ ही गए हो तो आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले बिस्किट वाला वीडियो किया था जिसमें मैंने अनेक अनेक प्रकार के बिस्किट ट्राई किए थे। और ये जो चैलेंज है ना, सॉरी ये क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो वीडियो है ना ये पार्ट टू है। मतलब मैं बहुत सारे बिस्किट ढूंढ ढूंढ कर लेकर आई हूँ और आपको आपका बहुत ज्यादा डिमांड था कि आप पार्ट टू भी बनाओ। तो ये है पार्ट टू एंड इसमें से मैंने एक भी बिस्किट अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया है, सिर्फ सजे हुए देखा है क्योंकि मैं उस टाइप की बिस्किट वाली फैन नहीं हूँ। आप अगर हो तो आप कोई ना कोई तो खाए होंगे। तो मैंने चुन चुन के बिस्किट लेकर आई हूँ मैं, जो कि एकदम बिल्कुल अनेक अनेक प्रकार के। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि उससे पहले क्या करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से कर दो, प्लीज कर दो अगर अभी तक नहीं किया, और अगर कर दिया है तो लाइक कर दो अगर लाइक अभी तक नहीं किया। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो बिस्किट है ना उसमें सबसे सस्ता और सबसे छोटा पैक से शुरू करते हैं हम। तो आज का जो वीडियो में सबसे छोटा पैक है वो ये है। मैं जब मार्केट में गई ना तो बिस्किट वाला वीडियो बनाने का मेरा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं बिग बाजार गई तो ये मुझे सबसे पहले दिखा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिस्किट का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रहा है तो चलो ये बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा ध्यान इस पे गया एंड ये है कैडबरी चोको बेक्स। ओ माय गॉड, कैडबरी ने ये सब निकालना शुरू कर दिया है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है ये बिस्किट है या बेक है, पता नहीं क्या ही अंदर से निकलेगा। बस मैंने इसे उठा लिया और ये जो पैकेट है ना ये सिर्फ 10 रुपए का है। एंड लुक एट दिस, कितने क्या होगा इसके अंदर, चलो इसे खोल कर देखते हैं। ये लगता है क्रश हो गया हमसे। ओह माय गॉड, अच्छा यार ये तो केक है, ये बिस्किट किस एंगल से यार मेरे से टूट गया ये, लुक एट दिस। Oh my God, इस पे चॉकलेट भी है। Oh God, मतलब थोड़ा सा यूनिक चीज है, लेकिन जिस टाइप का ये होता है ना डेरी मिल्क टाइप बिस्किट कैडबरी का, उस टाइप का अगर स्वाद होगा ना तो मतलब 10 रुपए में मजा आ जाएगा। माय गॉड, खाकर देखती हूँ। ये डेरी मिल्क टाइप नहीं है, जो ऊपर का चॉकलेट है ना, ये जो ऊपर का चॉकलेट है ये थोड़ा बहुत डेरी मिल्क टाइप लग रहा है, थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो केक है ना ये मतलब अजीब सा लग रहा है टेस्ट, मतलब मैं कैसे बताऊं, बहुत ज्यादा डार्क डार्क चॉकलेट होता है ना जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में होता है, वो इस टाइप का बिस्किट है। इसका जो फ्लेवर है ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये बुरा नहीं है, खा सकते हो, बट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। अब 10 रुपए में कैडबरी क्या ही देगा। मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैं सोच रही हूँ कौन सा उठाऊं। ओके नेक्स्ट मैं उठाती हूँ ये बिस्किट, दिस वन। ओके पिछली बार वाले में मैंने डार्क फैंटेसी बताया था जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट अभी तक का बेस्ट बिस्किट मुझे लगता है। बिस्किट क्या होता है, ये उसी का कॉपी कैट है। ये है प्योर मैजिक चोको लश। ओके बिल्कुल उसी की तरह देखकर ये भी बनाने की कोशिश की गई है। इसे देखकर आप कह रहे हो ये क्या है, तो मैंने इसे खोल दिया था क्योंकि जैद को चाहिए था बिस्किट, मुझे दे दो बिस्किट, तो मैंने इसमें से खोलकर एक उसे दिया था। मैं नहीं खाई थी क्योंकि मैं चाहती थी मेरा जो ओपिनियन हो ना वो बिल्कुल रियल हो, तो मैंने एक उसे दिया था। एंड देखो इस टाइप का है, एंड मुझे ऐसा लगा था ना कि बिस्किट भी मतलब डार्क फैंटेसी टाइप का होगा, बट ये अंदर से तो खोदा पहाड़ निकला चूहा टाइप हो। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखो अंदर से इस टाइप का बिस्किट था, कैन यू बिलीव, डार्क फैंटेसी में भी आपको बड़ा सा बिस्किट मिलता है जो कि 5 रुपए में एक वर्थ इट है। इसमें आपको 6 पैकेट मिलेंगे, लुक एट दिस। इसकी जो प्राइस है वो 30 रुपीज है, मतलब 5 रुपए का आपका आपको एक मिलेगा। शेप चेंज करके लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। ओके क्वालिटी प्लास्टिक की बहुत अच्छी है, बिस्किट की मुझे नहीं पता। ओके बिस्किट कुछ ऐसा है, टूटा फूटा सा बिस्किट है। अंदर से दिखाते हुए बहुत अच्छे से टूट गया। अंदर है ये चॉकलेट की फिलिंग है एंड जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मीडियम है। लेट्स सी, इसे ट्राई करते हैं। बहुत सॉफ्ट है, अरे मुझे लगा कि टेस्टी नहीं होगा, ये बहुत टेस्टी है, मतलब डेफिनेटली आप ट्राई करना, मतलब बहुत टेस्टी, पता है जैसे ही आपके मुंह में तुरंत घुल जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब हाँ डार्क फैंटेसी को कहीं ना कहीं से ये टक्कर दे सकता है, अमेजिंग बिस्किट है यार, मैं इसमें ज्यादा ओपिनियन नहीं दूंगी, आपको पता चल गया होगा कि मुझे बहुत पसंद आया। ओके नेक्स्ट जो बिस्किट है वो अब हम देखते हैं। ये पिछली बार मैंने बर्बन वाला ट्राई किया था ना बिस्किट, वो जो छोटा पैकेट था, तो मैंने बताया था कि बर्बन का कोई और भी बिस्किट आता है, तो मुझे वहां ये दिख गया। एंड ये इतना बड़ा पैकेट का प्राइस गेस कर सकते हो, इसका प्राइस सिर्फ 30 रुपीज है,
टेस्ट अगर हुआ ना, मतलब अच्छा अगर टेस्ट ही हुआ ना, तो मतलब आपसे सामान ज्यादा मिल रहा है, पैसे आपके फिर भी कम ले रहे, क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है क्वांटिटी काफी सारी। ओ ये अलग अलग है, सी ये अलग अलग है, ऐसा लगता है बिस्किट एक निकाल कर रख लिया। इसकी क्रीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो बिस्किट है ना, ये ऐसा लग रहा है कोई नॉर्मल मार्केट से टाइगर बिस्किट उठाकर जो 3 रुपए में मिलता है उसपे क्रीम लगा दिया गया, ऐसा लग रहा है। बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा, मतलब उतना बहुत अच्छा नहीं लगा। टेस्ट ऐसा है कि ना ही ज्यादा चॉकलेटी टाइप फ्लेवर है और ना ही ज्यादा आपको मीठा, मतलब ये नॉर्मल है। अगर आप ऐसा कोई बिस्किट खाना चाहते हो जो बहुत ज्यादा मीठा ना हो, नॉर्मल हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। बहुत ज्यादा मीठा बिस्किट नहीं है, एंड कर सकते हो ट्राई, मुझे ठीक ठाक लगा। ओके, जो नेक्स्ट बिस्किट है ना, वो देखकर मुझे हंसी आ रहा है। लुक एट दिस, ये भी जो बिस्किट है ना, ये भी कंफर्म डार्क फैंटेसी को देखकर उससे इन्फ्लुएंस होकर ये बिस्किट बनाया गया, आई एम डैम श्योर। क्योंकि देखो, डार्क फैंटेसी मतलब वो जो बिस्किट आया था ना, तो सच्ची उसका क्रेजी अलग था। उसे देखकर हर एक बिस्किट पे कॉपी किया गया है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। पिछले वाले ने भी मतलब दिल खुश कर दिया। इसे खोल कर देखते हैं। इसकी जो प्राइस है वो भी 30 रुपीज है, मतलब सच्ची प्राइस भी डार्क फैंटेसी वालों का कॉपी कर लिया। इसका जो पैकेजिंग है वो एज ऑलवेज जैसा डेयरी मिल्क का ऊपर का पैकेजिंग होता है चॉकलेट वगैरह का, सेम उसी टाइप का, और बहुत अच्छा कलर मुझे लग रहा है, एकदम ब्लू ब्लू कलर, एंड ऊपर का डब्बा भी ब्लू कलर में है। लेकिन इसकी क्वालिटी कुछ उतनी खास नहीं है इसकी, ठीक है। तो हम खोल कर देखते हैं इसे। Look at this. Oh God. तो तुम टेस्ट कैसा होगा? Oh God. पहले चॉकलेट लिक करना चाहती हूँ यार, ये तो डिट्टो डार्क फैंटेसी वाला है, लेकिन इसमें जो चॉकलेट है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है चॉकलेट का। ऐसा लगता है ना एक ही फैक्ट्री में बन रहा है ये सब, मतलब जहां सिर्फ जो इसका ऊपर का डब्बा वगैरह है ना, वो सिर्फ चेंज कर दिया गया है, एंड टेस्ट का बस वो जो थिन लाइन, एक माइनर सा होता है ना, मतलब एकदम थिन लाइन जैसा, उतना ही डिफरेंस है। इसका जो चॉकलेट है वो बहुत स्ट्रांग में है, और उसका चॉकलेट बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, मतलब बहुत अच्छा उसका चॉकलेट लगता है। लेकिन अगर आप वैसे हो जिसको स्ट्रांग वाला फ्लेवर पसंद है, स्ट्रांग चॉकलेट वगैरह, डार्क चॉकलेट वगैरह बहुत पसंद है, देन आप कोई से ये पसंद आ सकता है। ये बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बट ये मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। आप खरीद सकते हो, प्राइस तो सेम ही है, तो आप मेरा मानो तो आप डार्क फैंटेसी खरीद लो। बाकी ये भी अच्छा है, मुझे ये भी अच्छा लगा। नेक्स्ट जो बिस्किट है वो है ये बॉर्नविटा। पहली बार ट्राई कर रही हूँ मैं, जब बहुत छोटी थी ना तब मैंने बॉर्नविटा ट्राई किया था, मतलब लेकिन जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे बॉर्नविटा उतना कुछ खास पसंद नहीं था। बॉर्नविटा की मैं बहुत बड़ी वाली फैन शुरू से ही नहीं रही हूँ, बट ये बिस्किट कैसा है, लेट्स सी, ट्राई करते हैं यार। सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में ये सारी चीजें ट्राई कर लेती हूँ, वरना हू केयर्स। ओ गॉड, इसकी भी पैकेजिंग, मैंने बोला ना इस टाइप की पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये अंदर क्या है? ये पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, एंड यार नट्स वगैरह डाले हुए हैं बिस्किट में। 1, 2, 3, 4, 5, 10 पीसेस, मतलब आपको 30 रुपए में 10 पीस बिस्किट मिलेंगे। और इसकी जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसे जो भी, मतलब इसका जो साइज है ना वो और बिस्किट से अलग है, एंड इसमें काफी सारे पीनट वगैरह डाले हुए हैं, एंड पीनट है और क्या क्या है, पीनट ही आई थिंक, लुक एट दिस, पीनट वगैरह। ये कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें खांसी का सिरप जो आता है ना, कोरेक्स टाइप रहता है ना, इसमें डाला गया है। मैं कभी नहीं खरीदूंगी बिस्किट, पीनट भी पीनट की तरह नहीं लग रहा, कुछ और ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक आ गया है बीच में। मैं अगर मुझे कभी बिस्किट खाने का भी दिल करेगा ना, मैं 30 रुपीज में ये बिस्किट कभी नहीं खरीदूंगी, कभी भी नहीं। ये जो है ये है मोरीश कुकी फ्रेश कोकोनट।
इसकी जो प्राइस है ना, इसमें बिस्किट का क्वांटिटी देखो यार, मतलब इतने सारे बिस्किट है और इसकी जो प्राइस है सिर्फ 50 रुपीज है, 50 रुपए में ये बिस्किट आया है। एंड लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है, मतलब अगर अच्छा रहा तो वर्थ इट है मैन, वर्थ इट है। एंड बिस्किट वो जो डार्क मतलब डार्क फैंटेसी मेरे जबान पे क्यों बार बार आ रहा है, मतलब सच्ची उसी के टाइप की है, लेकिन देखते हैं इसमें कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है या फिर ऐसे ही लिख दिया है। अच्छा है, ऐसा लग रहा है ना कि जो बेक किया हुआ बिस्किट होता है ना, जो अवन में बेक किया जाता है, उस टाइप की बिस्किट लग रही है। और इसमें कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है। सच्ची एक चीज बताऊं, आप इसे ना खरीद कर 30 रुपए में ये मिलता है ना, 20 रुपए और लगा के ये पूरा का पूरा पैकेट खरीद दो। है इससे अगर आप चाय लेकर एक कप बैठ जाओ और ये बिस्किट रख लो, 3-4 में ही आपका दिल मन पेट सब भर जाएगा। मुझे बहुत अच्छा ये बिस्किट लगा, यू कैन डेफिनेट ट्राई दिस, जो भी आपको अच्छा लगा आप ट्राई कर सकते हो। बट मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन था, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आई होप मेरी ओपिनियंस आपको पसंद आई होगी। और जो बिस्किट मुझे नहीं पसंद आया, अगर आपको पसंद आता है तो हो सकता है सबका अलग अलग टेस्ट है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आज मैंने काफी सारे बिस्किट ट्राई किए हैं आपके कहने पे। अगर इसका पार्ट 3 भी आप कहो तो मैं ले आऊंगी, क्योंकि बिस्किट इंडिया में बहुत सारे हैं, तो आप बोलना मुझे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, नहीं किया तो अब भी कर दो। एंड सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना, इससे क्या होगा ना कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, बच गया, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। एंड लाइक कर देना, 500 लाइक का टारगेट है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।